झांसी से बड़ी खबर, नामचीन हिस्ट्री सीटर अपराधी विधवा महिला को शिकायत पत्र वापसी लेने की व जान से मारने की दी जा रही है धमकी, ऑडियो वायरल हो रही है। जानकारी के अनुसार मोहल्ला कटरा मौरानीपुर के आधा दर्जन लोगों ने पुलिस क्षेत्राधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह को दिया एक हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र में बताया कि श्रीमती रामा एक गरीब विधवा महिला है एवं प्रातिगढ़ों के मकान पड़ोस में बने हुए हैं और हम लोगों के पास में ही नामचीन हिस्ट्री शीटर आपराधिक किस्म का व्यक्ति रहता है छोटू उर्फ संतोष, जिसके खिलाफ कोतवाली मौरानीपुर में अनेक मामले दर्ज हैं एवं कई मुकदमे न्यायालय में भी विचाराधीन चल रहे हैं। उक्त दबंग हिस्ट्री शीटर अपनी गुंडाई के दम पर मेरे मकान के लिए आने वाले रास्ते में शौचालय का निर्माण कर लिया है, जिसके संबंध में पीड़ितों व विधवा महिला रामा देवी ने पूर्व में मौरानीपुर कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन उक्त दबंग व्यक्तियों के दबाव में पुलिस ने कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं की तथा रास्ते में वर्षों पुरानी नाली बनी हुई है जिसमें हम लोग घरों के पानी के विकास के लिए, लेकिन उक्त दोनों भाई नाली में पाइप नहीं डालने दे रहे हैं और आए दिन हम लोगों को गाली गलौज कर तमंचा लहराते हुए धमकी देते हैं कि यदि मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी तो जान से मार देंगे। मेरे घर में दहशत का माहौल है। जब मैंने प्रार्थना पत्र दिया पुलिस प्रशासन को तो अपराधी ने मेरे फोन पर जान से मारने की धमकी भी दे डाली और बोल रहा है कि पुलिस प्रशासन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ऑडियो वायरल हो रहा है। मौरानीपुर तहसील के पुलिस प्रशासन मीडिया के कैमरों के सामने आने से सच्चाई से पल्ला झाड़ रहे हैं। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए मौरानीपुर से संवाददाता नरेंद्र कुमार की ये खास रिपोर्ट। ना आया पकड़ भी तो ना आया भाई, तो मैं जो दिखा सो कर लीजिए का करा था। देखो हम ओंदर हम तो मैं दीदी एक बात बता रहे हैं, बिल्कुल मानवता के नाम से हम पुलिस को काम करत, पुलिस हमें नहीं पकड़े। हां ना पकड़ ना पकड़े तो पुलिस को हम काम करत। हां तुम भाई ये करा तुम क्यों पुलिस को काम, हमें नहीं है मालूम कि तुम पुलिस को काम करत कि तुम की को काम करत। और देखो भाई ये नौकरी करत, नौकरी हम लोग सरकारी है, हम प्राइवेट है। अच्छा नो करे, नो करे। अब तुम कह रहा है कि हम तुम्हारे आदमी को हम राजेश तुम बाहर निकाल के आओ, हम तुम्हें चूरती चूर। अरे तुम हमसे बात करते कि दीदी ऐसी जैसी तुम अबे कर रहे अच्छे से राजेश से हमारी सिर्फ यही बात हुई, तुम बाहर आओ मैं बात करने हैं। देखो सुनो छोटू सुनो, उन्होंने नहीं खा तो हमारी सुनो रही मूर्ति चोरी की तो अवे दो चोर पकड़ चुके मूर्ति चोरी वाले। सिर्फ पुलिस कह रही मूर्ति तो अवे दो चोर पकड़ चुके मूर्ति चोरी वाले। सिर्फ पुलिस कह रही मूर्ति बरामद कराना है। हाँ वो तीसरा चोर हमारा, तीसरा चोर हमारा राजेश है। एक चोर का हम बांध कर डा रहे है, जीना मूर्ति है पूरे हम बांध कर डा रहे है। हम बहुत आदमी है पूरे हम बांध कर डा रहे है। देखो और हम सिर्फ चलत कौन कौन उद्देश्य है जिसे हमारी चलत है वो विधवा दे था। देखो को कछु नहीं कर पे, नकलू नहीं बम्बई नहीं तो पूरी दुनिया में चली जाइयो। देखो जो बताओ हमने तो बरामद बरामदी हो जाए, बरामदी को मतलब नहीं जानती क्वालिफिकेशन में पड़ी आओ, बरामदी जितने हो जाए तुम नखलऊ नहीं नखलऊ के बाप नखलऊ से भी बड़ो बाप दिल्ली हो, दिल्ली भी चले जाओ। सुनो छोटू अब्बा सुनो, अब्बा सरकार नहीं है, सरकार बदल गई पूरी तरह से। कहा गई सरकार बदल गई जी, तुम्हें उद्देश्य बता रहे हम सरकार बदल गई, कोई तो अभी देख सकती है बता रहे तुम्हें सरकार। वो तुमने सुनो, तुमने हमारे छत पे कछु रख भी दा हुई है सुनो, तो वो बरामद नहीं होने इसलिए नहीं होने के देखो हम उनकी तो नहीं है। ये क्या फाई क्या तमाम कछु की बात ही नहीं है, कुछ नहीं ऐसी मानी ही नहीं जाती, झूठी सासी बातें कि का है का नहीं है। अरे जो मूर्ति चोरी में पकड़े उनकी तो नहीं है, थाने में रिपोर्ट का उनकी रिकॉर्ड नहीं है। अब ये नहीं है जो कछु नहीं मानो, हम आम आदमी चलो जे साल वाएगा चलो जे छह महीना का चलो जे हम भूकंप तो मानना जे। देखो हमन इतो तो भगवान हम उनका दे है इतनी क्षमता दें हम सब सही तो चले। भगवान ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही दे दो सो तुम हमसे बेर कर रहे। सुन आज जो आपने प्रार्थना पत्र दिया है यहाँ पे किन मुद्दों पे दिया है, क्या समस्या है आपकी? ये समस्या है कि वो छोटू श्रीवास है जो तीन दिन पहले मैंने नाली के बारे में एप्लीकेशन दी थी मैंने मेरी चाची ने, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं तीन दिन से परेशान है, उसने आज नाली भी तोड़ दी, पाइप भी तोड़ दी है और कह रहा है यहाँ से नाली निकालोगी तो जान से तेरे और तेरे पति को मार दूंगी।
उसने मोबाइल पे भी धमकी दी है कि मैं पुलिस का काम करता हूँ, मेरा कोई प्रशासन कुछ नहीं कर सकती है, वो मैं कुछ नहीं, मैं आप सब लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे न्याय चाहिए। क्या घटना हुई है आपकी बहू लड़की के साथ में? भी परेशान करता है छोटू नाली के पीछे और रात में काको धमकी देता है, तो हम तो न्याय चाहते हैं कि काको हमें तो न्याय चाहिए होते आते हैं तो कोई सुनाई नहीं होती है। वे कहते हैं कि पुलिस वाले तो सब हमारे काम, मतलब कोई कुछ नहीं करता है, हमारे साथ में सब हैं पुलिस वाले। तो आप कितने दिन से चक्कर काट रही हैं? हमें 4 दिन हो गए चक्कर काटत काटत, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी, ना कोई कार्रवाई हो रही ना कोई सुनाई हो रही। अब आप क्या चाहती हैं सरकार से? हम तो न्याय चाहते हैं कि हमारा न्याय हो चाहिए।